आइए और नए एक्सपर्ट के तौर पर सिद्धार्थ सेरानी साहब आ चुके हैं, उनका भी स्वागत कर लिया जाए। उससे पहले सचिन जी ने आपको पीवीआर खरीदने की दी है राय, और आइए सिद्धार्थ जी को भी करते हैं स्वागत। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, और गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, आज पिक ऑफ द डे के हिसाब से मैंने देश की प्रॉक्सी स्टोरी खरीदी है, वो है एलएनटी। एलएनटी पे खरीदारी की राय है, प्रॉक्सी टू इकोनॉमी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कहे उसमें लीडर। मुझे लगता है कि नतीजे भी बहुत दमदार रहे, आने वाले समय में भी अच्छे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि एलएनटी जो इंफ्रा का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, 2200 के टारगेट के लिए जरूर खरीद सकते हैं। पोजिशनल अगर टारगेट रखे तो 2280 भी आ सकते हैं एलएनटी। ओके, 2280 के आइए आइए राय आ रही है सिद्धार्थ जी की तरफ से भी, उनके लिए बिगुल सुप्रसिद्ध। बताएं सिद्धार्थ जी। अनिल जी कॉल दूं उसके पहले एक छोटा सा 10-20 सेकंड का अपडेट। कल साइंट पे आप जब आईटी की चर्चा कर रहे थे तब मैंने एसपीएल मिडकैप में साइंट दिया था 1060 के टारगेट के लिए, तब भाव था 925 रुपए, आज 970 के करीब आ गया है और बहुत अपग्रेड भी आए हैं। तो साइंट तो डेफिनेटली मजबूत है। आज का जो सुपर सेट कॉल है वो है परसिस्टेंट सिस्टम, ये भी एक आईटी मिड कैप की कंपनी है, मुझे बहुत मजबूत लग रही है। पिछले क्वार्टर में एनुअलाइज्ड $1 बिलियन की सेल्स कर ली है रेवेन्यू, अब मैनेजमेंट टारगेट कर रही है $2 बिलियन का टोटल डील विन, $440 मिलियन का, और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है ग्रोथ 30% का आने वाले समय में और 2-3% के मार्जिन इंप्रूवमेंट आने वाले सालों में। परसिस्टेंट सिस्टम मुझे बहुत मजबूत लग रहा है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट आपको रखना है 4650, करीबन 100 रुपए यहाँ से है 4650, और पोजिशनल या लंबा टारगेट देखे तो 4800 का रख सकते हैं परसिस्टेंट सिस्टम। मिड कैप आईटी यहाँ पर आप जबरदस्त फोकस बनाकर चलिए, परसिस्टेंट हो गया, साइंट हो गया, जहां पर ऑफकोर्स एक्शन है। बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताएं सर आपकी कॉल। बिल्कुल दीप, और ये जो स्टॉक है ये देश की तिजोरी है और ये कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। शॉर्ट टर्म टारगेट SBI पे आपको रखना चाहिए 540 का, 540 का, और अगर थोड़ा सा पोजिशनल या 6-12 महीने का टारगेट रखें तो 650 भी अचीवेबल है SBI में। नतीजे तो दमदार आ ही रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट 70% के करीब देखा था हमने, लोन ग्रोथ 17% के ऊपर है, और उसमें भी रिटेल का दबदबा है SBI के लोन ग्रोथ में। मैं मानता हूं कि यहां से भी क्रेडिट ग्रोथ जो मैनेजमेंट कह रही है और भी अच्छा रह सकता है, डिकेड हाई पे है, और लोन ग्रोथ 14-16% रह सकता है SBI का। देश की तिजोरी, और मैं मानता हूं कि SBI लीडिंग बैंक है, यहां से खरीदारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको देखना चाहिए 540 रुपए का और लॉन्ग टर्म टारगेट होगा 650। तो 650 के लॉन्ग टर्म पोजिशनल टारगेट हैं, बट अगर आप नियर टर्म व्यू ले रहे हैं तो 540 के लेवल्स भी इस पर आ सकते हैं। SBI मोमेंटम में आना चाहिए, हमने देखा है रिसेंटली थोड़ी स्टॉक के मूव मॉड भी बदले हैं। सिद्धार्थ जी कवर करते हैं KPIT टेक। मुझे याद है कुछ समय पहले जब रिपोर्ट आई थी गोल्डमैन सैक्स की, 600 पे हुआ करता था, 900 का इन्होंने टारगेट दिया था, 50% का अपसाइड, और पिछले 3-4 महीनों में आ भी गया है उन लेवल्स के आसपास सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और KPIT टेक हम कवर कर रहे थे करीबन करीबन 450 रुपए से, कई बार टारगेट बढ़ाए, कभी एक बार 600 किया, उसके बाद 650 किया, तो सारे ही टारगेट अचीव हुए हैं। अब फ्रेश टारगेट्स तो है नहीं, बट बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में भी बहुत अच्छा योगदान दे रही है। बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए, फ्रेश खरीदारी करनी हो तो मैं मानता हूं कि नीचे आए तब खरीदे, ये बहुत ही बढ़े हुए दाम है, इस पे खरीदारी ना करें। अगर कहीं नीचे गिरावट मिलती है बाजार के कमजोरी में तब खरीदारी कर सकते हैं, ले रखा है तो बिल्कुल बने रहे, बेहतरीन कंपनी। और आज खबर भी है, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए करार किया है, आज नहीं 2 दिन पहले की खबर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने करार किया है होंडा के साथ रिसेंटली। ये रिसेंट अपडेट आया KPIT टेक के लिए, बट अदरवाइज काफी अच्छा एक्शन इस काउंटर पर आपको दिख रहा है। आइए 10 की कमाई लेते हैं सिद्धार्थ जी की तरफ से उनका स्टॉक। सिद्धार्थ जी बताएं सर। देखिए दीप, ये आपके वेकेशन को और सुंदर बना सकता है, बिजनेस ट्रेवल को और सुंदर और मजेदार बना सकता है, और ये कंपनी है होटेल्स की, वो है लेमन ट्री। लेमन ट्री पे खरीदारी की राय है, लंबे समय के लिए टारगेट आपको रखना है 110 रुपए का। क्यों?
क्योंकि इन्होंने हाल में, आज की भी खबर है कि इन्होंने एक अग्रीमेंट किया है 60 रूम्स की श्री गंगानगर में, वहां पे 2026 में होटल आ सकती है। FY24 आने वाले साल में गाइडेंस भी बहुत दमदार दिया है, 20% का YOY ग्रोथ दिया है कंपनी ने, और G20 समिट भारत होस्ट है तो इसका भी काफी बड़ा फायदा मिलेगा। तो आपके वेकेशन को और सुंदर बनाने वाली कंपनी लेमन ट्री, इस पे खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट आपको रखना चाहिए लंबे समय के लिए ₹110 का, 110। तो ये है आपके लिए लेमन ट्री, यहाँ पर रखनी है नजर। अभी डेल्टा कॉप पर आपके लिए कॉल आई थी, चार्ट कॉर्नर पहला कॉल था ओपनिंग के बाद, अब लेमन ट्री भी पसंद आ रहा है। ट्रैवल से जुड़े स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर, और यहाँ पर कुछ और अपडेट्स भी हैं, थोड़ी देर में इसके बारे में भी आपको बताएंगे, बट ट्रैवल से जुड़े स्पेस पर आपको मूवमेंट बनते हुए दिख सकता है। यह कॉल सिद्धार्थ जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी भी अपनी विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं इस पर। जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। जी बग्गा साहब ने तो सब कुछ कवर कर लिया है, तो आई कंप्लीटली अग्री टू हिम कि लॉन्ग टर्म निवेशक देखना चाहिए। बट सबसे बड़ी चीज, जब मैं क्लाइंटों को यहाँ वहां मिलते हैं तो एक ही क्वेश्चन आता है क्लाइंटों का, बाजार क्या लगता है। पर इसके बजाय लोगों को अब ये पूछना चाहिए कि पोर्टफोलियो कैसे अच्छा क्रिएट किया जाए, तब जाके आप बेंचमार्क को बीट कर सकते हैं। क्योंकि बाजार क्या लगता है करने से नहीं होगा, आपको बेंचमार्क को बीट करना है तो सही पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पीएमएसएस होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होते हैं, जो कर देते हैं और अच्छे से आपको मार्केट का एक्सपर्ट्स जो है वो बीट करके देते हैं। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार क्या लगता है वो क्वेश्चन ना पूछे, क्वेश्चन ये पूछे कि कैसे अच्छे पोर्टफोलियो बनाया जाए जो बाजार को बीट करे। गुजराती में सब लोग पूछते सू लागे, ऐसे ही सू लागे, उसका जवाब एक ही देना, पैसा लागे बिना।